हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बाउंड बाय हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। इट इज़ बीइंग सेड दैट द न्यूज़ फ्रॉम मालदीव्स इज़ नॉट गुड। तो मालदीव्स में जैसे हमने देखा, प्रो चाइना ग्रुप जो उनकी गवर्नमेंट है आई है, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हाउ ट्रू इज़ दिस? इंडियाज़ फुटप्रिंट इन मालदीव्स आर डीप रूटेड। तो इंडिया के जो फुटप्रिंट्स हैं मालदीव्स में, वो डीप रूटेड है, बोथ हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्प्रेरी रिलेशन। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आज प्रेजेंट के सिचुएशन की वजह से भी। चेंजेस में अकर टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द चेंज इन लीडरशिप इन मालदीव्स। ठीक है, चेंजेस तो हो सकते हैं, हाउएवर इट इज़ अनलाइकली टू ऑल्टर फंडामेंटल्स। तो वो फंडामेंटल्स को चेंज करेंगे ये तो नहीं लगता हमें। फ्रॉम मामून अब्दुल गयाउम ईयर्स टिल टुडे आर रिलेशन डिस्पाइट अ फ्यू हिकअप्स हैव बीन क्लोज एंड फ्रेंडली। सो लेट्स नॉट जज द सिचुएशन इन अ रश। तो साफ बोला जा रहा है कि हम अभी तक तो स्टेबल रहे हैं, तो अभी सिचुएशन को रशली, मतलब हम लोग तुरंत बस एक न्यूज़ पढ़ लिया, भाई वो प्रो चाइना ग्रुप है, तो उसमें हम लोग डिसाइड कर ले कि भाई हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मालदीव हैज एन एरिया ऑफ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर दैट इनकम्पासेस 99.6% ऑफ द सी। द रिमेनिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मोर देन 1,1200 आइलैंड्स। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट्स दैट 80% ऑफ द मालदीव्स विल सीज टू एग्जिस्ट बाई 2050 ड्यू टू ग्लोबल बॉयलिंग। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं 80% ऑफ मालदीव्स तो रहेगा ही नहीं। ग्लोबल बॉयलिंग मतलब जो आपके टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसके वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे, वाटर लेवल राइज हो रहा है। तो वाटर लेवल राइज हो रहा है तो मालदीव जैसे देश कहाँ रहेंगे। इंडिया इज द क्लोजेस्ट नेबर एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 नॉटिकल माइल्स। हु एल्स कुड कम टू असिस्ट मालदीव्स इन एन आवर ऑफ नीड। तो साफ बोला जा रहा है यहाँ पे, इंडिया तो 70 नॉटिकल माइल्स ही दूर है आपको। जैसे मैंने, चलिए एक बार लोकेशन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। आप देखिए यहाँ पे इंडिया है, देखिए ये आपका मालदीव आ गया, माले। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं मालदीव। अब देखिए इंडिया के यहाँ पे साउथ में, जूम आउट कर रहा हूँ मैं तो चला जा रहा है, ये मालदीव्स है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया से मालदीव्स कितना दूर है, बस इतना ही। तो ये 70 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। अब इससे दूर तो बाकी सब देश है। आप अगर रिलेटिव भी चीज़ देखें तो आप एरो का साइज भी देख सकते हैं, कैसे चीज़ें मालदीव से बाकी सारी चीज़ें दूर है। सबसे पास में इंडिया है, ठीक है। अब देखिए जब सबसे पास में इंडिया और श्रीलंका, मुझको नहीं लगता है कि इतना कैपेबल है कि मालदीव की मदद कर सके। तो इंडिया को अगर वो लोग धक्का देते हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, ये डूब रहे हैं, तो उसको कौन तुरंत तुरंत हेल्प करने कौन आ सकता है, कौन उसको तुरंत तुरंत असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ऑब्वियसली इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। इबन खलदून टूनिशियन फिलोसोफर सेड द ज्योग्राफी इज डेस्टिनी एंड इट इज ट्रू इन द केस ऑफ आर टू कंट्रीज। तो ज्योग्राफी जो है वही डेस्टिनी है, ये इन्होंने बोला है, टूनिशियन फिलोसोफर है। द कंट्रीज आर एंटविंडेड नॉट ओनली थ्रू ज्योग्राफी बट ऑल्सो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कंट्रीज को बाइंड करके रखते हैं। मालदीव्स विथ 98% लिटरेसी इज नेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस पोजेस चैलेंज टू डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। दिस इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बार्स एनी वन नॉन सुन्नी टू बिकम मालदीवियन सिटीजन से अ नेसेंट सिविल सोसाइटी, अ ट्रेडिशन ऑफ पैट्रोनेज, अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ड्रग एब्यूज, अ डिस्टॉर्टेड लेबर मार्केट, ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड एन इकॉनमी डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा फैक्टर्स। ऑल्सो कंसर्निंग इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो आप देखिए यहाँ पे जो क्या क्या प्रॉब्लम है, ड्रग एब्यूज का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, डिस्टॉर्टेड लेबर मार्केट है। आप देखिए ये सारे प्रॉब्लम है यहाँ पर, और वहाँ पे आप मालदीवियन सिटीजन नहीं बन सकते अगर आप सुन्नी नहीं है। नॉन सुन्नी को मालदीवियन सिटीजन नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे यही बोला। अब देखिए ट्रेडिशनल पेट्रोनेज प्रॉब्लम ये सब है, और यहाँ पे सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे आप देखिए रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन
factor in Maldives. In fact, it has been the only constant. Earlier, there was only Buddhism in Maldives, which was replaced in 12th century by Islam. Even during the British protectorate years 1887 to 1965, Maldives depended on India for essentials as well as communications with the outside world. तो इस समय आप देखिए मालदीव्स टोटली डिपेंडेंट था इंडिया के ऊपर. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द मेजर फाइनेंसर दैट हेल्प बिल्ड द एडिफिस ऑफ द कंट्रीज टूरिज्म इकोनॉमी. तो उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले हो चुका है. इवन टुडे इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन द आइलैंड कंट्री. वेदर इट वॉज अटेम्प्टेड कूप इन 1988 और सब्सिक्वेंट असिस्टेंस थ्रू डेकेड्स, इंडिया प्रोवाइडेड अ हेल्पिंग हैंड इन एवरी पॉसिबल वे. इंडिया ने हमेशा मालदीव्स की हेल्प की है. But stayed clear for of internal developments. The dependence of Maldives on India and its unconditional support has helped it become way it is today, a country with the highest per capita in South Asia. तो इसका per capita South Asia में सबसे ज़्यादा है. Maldives is well aware of the enormous scale of cooperation with India. The defense cooperation is less about India's gifting of helicopter and more about capacity building through joint exercise like the Ecuvarian Ikatha surveillance assistance, training of 1400 MNDF trainers in recent years, and disaster management. For decades, India has provided effective security assistance to Maldives in exchange of its hand of friendship and trust. तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया वहाँ पे डेवलप कर रहा है मालदीव के साथ. जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं इकोविरिन और एकथा, ये हमारे जॉइंट एक्सरसाइज हो रहे हैं मालदीव्स के साथ. अब देखिए हम उनके ट्रेन कर रहे हैं, उनके आर्मी ऑफिशियल्स को, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मालदीव्स डिपेंडेंट तो है. इन थ्री डिफरेंट क्राइसिस, in 1988 the coup, 2004 the tsunami, and 2014 the shortage, Maldives witnessed that India was the first one to assist it, both in education and health sector. Indian teachers and doctors play a critical role in the country, including the remote inhabited island. Whether it is a trade or tourism, India remains the biggest partner. So trade se leke tourism, India sabse bada वहाँ का पार्टनर है. विथ प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, इंडिया इज कमिटेड टू टेक द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स टू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी फ्यू पीपल नो दैट इंडिया प्रोवाइड्स मोस्ट एसेंशियल आइटम इन बल्क लाइक राइस, वीट फ्लोर, सुगर, पोटैटोज एंड ऑनियंस, एग, वेजिटेबल्स एंड इवन रिवर सैंड एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज ए स्पेशल डिस्पेंसेशन. तो ये सारी चीज़ें भी मालदीव्स को इंडिया ही प्रोवाइड करता है. तुम कहाँ जाओगे अगर हमारे खिलाफ जाओगे मालदीव्स? फॉर इंडिया, मालदीव्स इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म, पायरेसी ऑन द हाई सी, ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स एंड अदर मेरीटाइम क्राइम. ऑन द अदर हैंड, चाइनाज एंट्री इज सोल्ली टू एडवांस इट्स ओन इंटरेस्ट. इट हैज डन सो थ्रू डेट फाइनेंसिंग, लीडिंग टू debt traps and consequent hegemony of China. China's policy of interference in the internal politics of the and support to conservative elements in Maldives has the potential to become a barrier on the development of the vibrant democracy in Maldives. It seems that the legacy of the controlled regime of the Gayoom years is being carried forward by the element that are aligned with China for their narrow gains. This may not be in the larger interest of the nation in the long run. तो China के ऊपर dependence obviously long run के लिए तो अच्छा नहीं है. आज तो पैसा मिल रहा है, अच्छा लगेगा, पर debt traps होंगे. और आप देखिए debt financing जब China करेगा, आपको debt traps होगा उससे, और उसके बाद आप उसकी एक तरीके से neo colony बन जाओगे. तो यही चीज़ है. India is speed fast in the commitment towards Maldives and has always walked the extra mile towards building relation. Any impulsive steps to undo the careful, nurtured, all-encompassing partnership is likely to harm Maldives more than it would India. In 2012, GMR Out campaign cost Maldives $270 million in
payout to GMR. The Yemen, the Yameen years were marred by a pro-China policy that led Maldives into a debt crisis. So what's next? The president-designate Mohammad Muizu is a Western-educated engineer who served as a minister as well as a mayor of the capital Male. He contested in a place of former President Yameen, who was in jail during the election. Yameen has now been shifted to house arrest at a behest of the president-designated. It is expected that the Muizu is unlikely to take a drastic measure that alter relation with India. Elections are fought on emotion and promises. Once practical realities come to the fore in governance, he may realize the potential repercussions of undermining relation with India. Taking India for granted would have its price too. As they say, those that fail to learn from history are doomed to repeat it. तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई जा रही है, इसने प्रॉमिस तो कर दिया इंडियन फोर्सेस को हटाएगा ये है, पर वो प्रॉमिस के ऊपर ही तो, इमोशन के ऊपर ही तो इलेक्शन जीते जाते हैं। 15 लाख रुपए वापस आने वाले थे, आज भी वेट कर रहा हूँ, 15 लाख आएंगे तो इन्वेस्ट करूँगा। तो इलेक्शन तो भाई हम लोग जीतते हैं इमोशन पे और प्रॉमिसेस पे, पर जब आप आते हो प्रैक्टिस करने, असली में गवर्नेंस में रूल करने आप आते हो, तब पता चलता है रियलिटीज क्या है। तो जब ये सारी रियलिटी, वहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे मालदीव्स में, तो जब ये सारी रियलिटी, इंडिया का जो सपोर्ट है और चाइना का जो डेट ट्रैप है, ये इंडिया वर्सेस चाइना, अगर उसको पता चलेगा, और जैसा बताया जा रहा है वो वेस्टर्न एजुकेटेड इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी है, गंवार नहीं है, और अगर वो अपने क्या बोलते हैं ईगो को नेशन के नीचे रखेगा, नेशन को मतलब अगर ईगो के ऊपर रखेगा, तो ऑब्वियसली वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जो इंडिया को और उसके रिलेशन को हार्म करे। नहीं तो ये चीज़ तो बहुत सही बोली गई है, दोज दैट फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट। तो हिस्ट्री से सीख जाओ, नहीं तो तुम तो फिर से वो रिपीट करोगे, और तुम फिर से वही है, अब क्या ही बोला था, ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, फिर से तुम मत खाओगे, सिंपल सी बात ये है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखना चाहूँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ हमने कवर कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड, मालदीव्स रिलेशन, मालदीव्स माले, ठीक है, इसका रिलेशन किसके साथ, इंडिया के साथ, इंडिया ने क्या क्या हेल्प किया है मालदीव्स को, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड, आप देखिए मालदीव्स और इंडिया में 70 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, ठीक है। फोर्थ देखिए, वहाँ पे आज भी सबसे बड़ा बैंक SBI है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए SBI ने हेल्प किया था। फिफ्थ, आप देखिए 2050 तक एक्सपर्ट्स बोलते हैं ग्लोबल बॉइलिंग की वजह से मालदीव्स एग्जिस्ट भी नहीं करेगा 2050 तक, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आ गया है वहाँ पे, हम कैसे उसको कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, चाइना कैसे डेट ट्रैप डेट फाइनेंसिंग में फंसा सकता है, फंसाता है, ऑलरेडी कर चुका है। मीजू जो है आपका वेस्टर्न एजुकेटेड इंजीनियर है, पढ़ा लिखा होगा तो भाई ढंग की चीज़ ही सोचेगा। तो यही चीज़ है, दोज दैट फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट। तो इतना ही था इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने के लिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।